वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, जब बीएसपी के अथक प्रयासों से केंद्र में श्री बीपी सिंह की रही सरकार ने इन वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया था, तो तब फिर उस समय इनको बाहर से समर्थन दे रही भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सरकार को ज्यादा दिन तक नहीं चलने दिया था। फिर इन्होंने पूरे देश भर में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया था। इसके साथ साथ उस समय बीएसपी के अथक प्रयासों से ही फिर इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी इसी श्री बीपी सिंह की सरकार में ही भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अर्थात केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने इनको इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। इसके साथ ही अब इन्होंने खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के हित में बने कानूनों को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया है, जिससे इन पर जुर्म जाति करने वाले लोगों का अब मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है, जिस पर केंद्र में ना तो पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार ने और ना ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी कोई विशेष ध्यान दिया है। इन वर्गों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी हालत पूरे देश में अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही फिर हमारी पार्टी ने यहाँ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है।